फेडरल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जस्टिस वकार अहमद सेठ के इन ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए फेडरल गवर्नमेंट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रुजू करेगी और इस्तदा हमारी ये है कि ऐसे जज साहब को पाकिस्तान की किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होने का कोई इख्तियार नहीं है. इज़ अनफिट. इस किस्म के अगर ऑब्जर्वेशंस दी जाएंगी तो जो शख्स है ना सिर्फ अदालत का इस्तेहकाक मजरू किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए एक बड़ा ही टेस्टिंग टाइम है. हमारी दरख्वास्त ये है कि क्योंकि इन्होंने ये साबित कर दिया है इस किस्म के ऑब्जर्वेशंस देके कि ये मेंटली अनफिट हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं, इनको फिल फॉर काम से रोक दिया जाए. जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस हैं उनसे गुजारिश है कि इनको रिस्ट्रेन किया जाए किसी एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशल काम से. और इस किस्म की ऑब्जर्वेशंस जो हैं उनके होते हुए अगर कोई भी ऐसा जज इस किस्म की ऑब्जर्वेशन देता है तो ये आईन और कानून के ना तो सिर्फ ख़िलाफ़ है बल्कि वो कॉन्फिडेंस जुडिशरी में जो होना चाहिए उसके लिए ये काउंटर प्रोडक्टिव है.